हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इंग्लिश रीडर के 11 लेसन तक कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं न्यू लेसन स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो है हमारा लेसन 12 रामा एग्जाइल। रामा एग्जाइल मीन्स राम को किस प्रकार मतलब राज्य से निकाला जाता है, तो उसके बारे में इस लेसन में बताया गया होगा। बेटा आप रामायण देखते हो, आपको पता होगा कि भाई राम को राज्य से किस प्रकार निकाला जाता है। तो फिर भी मैं आपको लेसन रीड करा रही हूँ, तो इस लेसन में यही बताया गया है कि राम की माता कैकेयी होती है, वो किस प्रकार उसको मतलब उस राज्य से निकाला था। तो इस लेसन में यही बताया गया है। तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे बेटा मैं आपके साथ रीडिंग करती जाती हूँ, आप भी मेरे साथ लाइन वाइज करते जाना, जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। वैसे तो आजकल रामायण को टीवी पर दिखा रहे हैं, फिर भी हम लेसन के द्वारा आपको रामायण का कुछ जो आंसर है वो आपको मैं आपको बता रही हूँ। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट आर लेसन रामा एग्जाइल। राम का मतलब देश से कैसे निकालते हैं, उस राज्य से। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। किंग दशरथा हैड थ्री क्वींस, कौशल्या, केकेयी एंड सुमित्रा। जो किंग दशरथ था वो कौन था बेटा? राम का क्या था बेटा? पिताजी थे। जो किंग दशरथ था उसके तीन रानियां थी, कौन कौन सी थी बताओ बेटा? कौशल्या, केकेयी और सुमित्रा जो थी वो उनकी तीन रानियां थी। ठीक है बेटा। प्रिंस राम, रामा द एल्डेस्ट सन वाज क्वीन कौशल्या सन। जो प्रिंस था, जो राजा प्रिंस राजकुमार, प्रिंस राज था, राजकुमार कौन था बेटा? राम जो था वो सबसे बड़ी जो उनकी रानी थी कौशल्या, उसका बेटा था। और केकेयी सन वाज भरत, जो केकेयी का जो बेटा था वो कौन था? भरत था। सुमित्रा है ट्विंस, ट्विंस मीन्स होता है बेटा जुड़वा। सुमित्रा ने ट्विंस को जन्म दिया, ट्विंस मीन्स होगा जुड़वा। ठीक है बेटा, ट्विंस मीन्स है जुड़वा। तो जो रानी सुमित्रा थी उसने दो बच्चों को जन्म दिया, कौन कौन से थे बेटा? लक्ष्मणा एंड शत्रुघ्न। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जो राम था वो कौशल्या का बेटा था, भरत केकेयी का था, और सुमित्रा के कौन कौन से थे? लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। इस प्रकार राजा दशरथ के चार पुत्र थे। व्हेन दशरथ ग्रू ओल्डर ही डिसाइड टू क्राउन रामा द प्रिंस। जो दशरथ था वो बूढ़ा हो गया था, तो उसने फैसला किया। डिसाइड मीन होता है बेटा फैसला करना। ठीक है, क्राउन मीन होता है मुकुट, क्राउन होगा बेटा मुकुट या ताज, दोनों ठीक होंगे। आपको अगर मुकुट भी बोलोगे वो भी, और ताज भी बोलोगे वो भी, जो सर के ऊपर होता है उसको हम मुकुट बोलते हैं। तो जो राम का जो पिता था दशरथ, वो बूढ़ा हो गया था, उसने डिसाइड किया था कि भाई जो मेरा राज्य है, जो ताज है, वो मैं राजकुमार प्रिंस को, राजकुमार राम है उसको दे दूंगा। आफ्टर हिज डेथ रामा वुड बिकम द किंग। और मेरे मरने के बाद जो मेरा बेटा राम है वो ही राज्य का राजा बनेगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई राजा मर जाता था तो उसके बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। तो दशरथ ने भी कहा कि मेरे मरने के बाद जो राम है वो मेरा राज्यभार संभालेगा। द पीपल वर हैप्पी वैन दे हियर द किंग्स डिक्लेरेशन। जो वहाँ के राज्य के जो लोग थे वो बहुत खुश थे कि जो राजा हमारा नया राजा राम बनेगा। जो राजा ने घोषणा की थी, उस घोषणा को सुनकर बहुत ज़्यादा सारे लोग खुश थे, क्योंकि राम को सब लोग पसंद करते थे। डिक्लेरेशन है बेटा घोषणा करना,
किसी चीज की घोषणा करना, राज्य में घोषणा कर दी थी राजा ने कि भाई मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो राम होगा। और सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। क्वीन केके एंड क्वीन सुमित्रा वर आल्सो हैप्पी। जो राजा की दोनों और रानियां थी केके और सुमित्रा, वो भी बहुत खुश थी कि भाई जो दे लव्ड रामा एस मच एस दे लव्ड देयर सन। और वो राम को अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती थी वो दोनों रानियां। कौन कौन सी थी? केके और सुमित्रा। तो वो भी खुश थी कि भाई जो उनका बेटा राम है वो ही राज्यभार संभालेगा। केके हियर द न्यूज फ्रॉम एन ओल्ड मैन कॉल्ड मंत्रा। जो केके थी उसने यह न्यूज़ अपनी पुरानी जो नौकरानी थी या सेविका थी मंत्रा को बताई कि भाई राजा ने ऐसे ऐसे घोषणा की है कि राम को वो राज्य अगला राजा बनाएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसने अपनी जो उसकी सबसे प्रिय सेविका थी तो उस मंत्रा उसको बताई वो ये बात। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट माई रामा विल बी क्राउंड सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा कि मैं जो रानी थी केके उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो राम है वो मतलब राम को मुकुट पहनाया जाएगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टेक दिस ए रिवार्ड। रिवार्ड मीन होता है इनाम देना। इनाम। तो जो रानी थी जब उसने यह न्यूज सुनी थी और अपनी सेविका मतलब नौकरान को बताई मंत्रा को, तो उसने उसको इनाम दिया। इनाम में उसने उसको ब्रिंगिंग सच ए गुड न्यूज कि भाई यह बहुत ही अच्छी बात है। उसने उसको इनाम में क्या दिया था मंत्रा को? बेटा देखो, मंत्रा को उन्होंने इनाम में एक नेकलेस दिया था। नेकलेस मीन्स होता है हार, जो गले का हार होता है उसने उनको मंत्रा को दिया था। जब पिछले जब रानियाँ होती थी खुश होती थी तो वो उनके सबसे प्रिय जो नौकर या नौकरानी थे उनको इनाम में कभी नेकलेस दे देते थे, कभी अंगूठी दे देते थे, हीरे जवाहरात उनको देते रहते थे। मंत्रा थ्रू द नेकलेस एसाइड एंड सेड ओ क्वीन। मंत्रा ने वो जो नेकलेस था गले का हार वो साइड में फेंक दिया और उस रानी से कहा ओ क्वीन व्हाई आर यू सो हैप्पी। तुम क्यों हैप्पी हो? तुम्हारा बेटा कोई राजा बन रहा है जिससे तुम खुश हो। इफ राम इज क्राउन्ड किंग व्हाट वुड हैपन टू भारत। अगर उसने उस जो मंत्रा थी उसने रानी से कहा कि तुम क्यों खुश हो रहे हो, तुम्हारा बेटा थोड़ी है राम जो राजा बना है। तुम्हारा अगर राजा जो है राम राजा बन जाएगा तो व्हाट वुड हैपन टू भारत, तुम्हारे बेटा जो भारत है उसका क्या होगा? उसको राजा बनने के बाद तुम्हारा जो बेटा भारत है उसका क्या होगा? ही विल बी ड्राइवन आउट बाई रामा। तो जो राम है वो तुम्हारे बेटे को राज्य से बाहर निकाल देगा राजा बनते ही। तो जो मंत्रा थी उसने रानी से कहा क्योंकि वो चाहती थी कि भाई राम जो है राज्य बाहर ना संभाले, ठीक है। तो इस प्रकार वो केके के मन में ये भर रही थी कि भाई जब वो राजा बन जाएगा राम तो तुम्हारे बेटे भारत को और तुमको उस राज्य से निकाल देगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर का पेज नंबर 79 करा दिया है। आई होप आपको जितनी हिंदी मैंने कराई है, रीडिंग कराई है, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी ना समझ में आए तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। और आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 79 जो मैंने रीड कराया है, आपको 2 and 3 टाइम रीड करना है। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।